और धनबाद में सैनिक कल्याण भंडार यानी कैंटीन का काम पूरा नहीं होने की वजह से काफी हो हंगामे की स्थिति दिखी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे सैनिक कल्याण भंडार की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिसमें नाराज सीईओ रंजीत सिंह और बिल्डर के बीच विवाद हो गया है। नाराज ऑनर ने बिल्डर पर लीगल एक्शन लेने और जिले के उपायुक्त एवं पुलिस पदाधिकारियों को शिकायत करने की बात कही है। सैनिक कल्याण भंडार के ऑनर रंजीत चौधरी ने बताया कि मॉल का संचालन सैनिकों, पूर्व सैनिकों, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के सहयोग के लिए किया जाता है। इसमें सैनिकों के साथ साथ आम लोगों को भी रियायती दर पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। के बावजूद तय वक्त पर कंप्लीट कर नहीं दिया सैनिक कल्याण भंडार, और इस वजह से कैंटीन का तय वक्त पर शुभारंभ नहीं हो पा रहा है, और इसे लेकर सीईओ ने नाराजगी जताई है और पुलिस में शिकायत करने की बात भी कही है। वहीं इस पूरे मामले पर बिल्डर से जब बात की गई तो उन्होंने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उनके कर्मचारी मीडिया से बचते नजर आए। सैनिक कल्याण भंडार पूरे भारतवर्ष में एक योजना के तहत की रोजगार योजना बच्चों को मिले, नए लड़के लड़कियों को रोजगार मिले, इसके तहत हम लोग पूरे इंडिया में कैंटीन खोलने के की तैयारी चल रही है। उसमें एक बड़ा जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है धनबाद में हम लोग स्टार्ट किया, और ये पिछले माह 15 तारीख को उद्घाटन करना था, लेकिन चूँकि बिल्डर की वजह से हम लोग को हैंडओवर नहीं मिला, कई तरह की परेशानियाँ आई, कठिनाई आई, हर तीसरे चौथे दिन हम लोग एक हफ्ता का डेट एक्सटेंड करते गए। इस 4 तारीख को कन्फर्म था किसी हालत में बिल्डिंग दे देंगे, 4 को भी नहीं हुआ। अंततः आज कल सावन का अंतिम दिन है तो हम लोग सिर्फ पूजा कर पाए किसी तरह, फिर भी उसके लिए हम लोग उनसे बाथरूम होगा तो जाएंगे, इतने बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे, बाथरूम भी तक इन्होंने तैयार करके नहीं दिया है कि आज यहाँ 10 लोग आए तो कहीं बाथरूम जाने की व्यवस्था नहीं है, और लड़कियाँ हैं कम से कम काम कर रही हैं, और आज उनके सारे के सारे लोग यहाँ से गायब हैं। एक कमिटमेंट करने के बाद कि आज किसी भी हाथ में आपको हैंड ओवर करते, और अब हम लोग उद्घाटन का अगला डेट 19 या अगले कब कर पाएंगे ये संभव नहीं लगता। मुहर्रम जुलूस को लेकर निरसा पुलिस के साथ साथ निरसा अनुमंडल के तमाम थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद नजर आए। निरसा SDPO पीताम्बरी सिंह खेरवार सभी थाना प्रभारी के साथ तालमेल बनाकर जुलूस के दौरान सड़क पर चौकसी बरतते नजर आए। लोगों ने बताया कि यहाँ सभी पर्व त्यौहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। निरसा में बहुत ही अच्छे से हमारे सभी लोग मिलकर हमारे मुहर्रम मना रहे हैं, और सब खुशी की बात यह है कि एक साथ में सब लोग मिलकर ना यहाँ पर मतलब किसी तरह के कोई पता ही नहीं चल रहा है ये किसका त्यौहार है। हर समुदाय के लोग, हर बिरादरी के लोग यहाँ पर, महिला पुरुष सब लोग शामिल हैं।